हेलो स्टूडेंट, मुरली तपड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल मैंने जो वीडियो बनाया था, जो आप लोगों के लिए अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था, एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया था उन्होंने क्लास और ऑब्जेक्ट का। आप उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अपने आज इस प्रोग्राम में देखेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी आप एरे का प्रयोग ऑब्जेक्ट में किस प्रकार से करते हैं और उस एरे का आप किस प्रकार से उसको एक्सेस करेंगे प्रोग्राम के अंदर, अपने फंक्शन के अंदर, और एरे का जो व्यवहार है वो प्रोग्राम में किस प्रकार का होगा, यानी उसका बिहेवियर किस प्रकार का होगा प्रोग्राम पे, ये आज अपने एक प्रोग्राम की सहायता से समझेंगे, जिसमें अपने एक एरे को ऑब्जेक्ट रूप में डिक्लेयर करेंगे। कल जो वीडियो बनाया था उसमें अपने सिंपल सा ऑब्जेक्ट अपने क्या किया था, डिक्लेयर किया था, लेकिन आज क्या करेंगे, एक एरे डिक्लेयर करेंगे एक ऑब्जेक्ट के रूप में, और फिर उसके द्वारा अपने क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। अपने क्या करते हैं कि आज एक सिंपल सा क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम क्या रखते हैं अपने, जैसे रखते हैं स्टूडेंट, क्लास का नाम क्या रखेंगे, स्टूडेंट रखेंगे, ठीक है। इसमें अपने इसके दो क्या नाम है, वेरिएबल लेंगे, या आप बोल सकते हो वेरिएबल मेंबर लेंगे। दो क्या काम करेंगे अपने, एक होगा आपका रोल नंबर, मतलब इसमें अपने स्टूडेंट की जो डाटा है अपने शो करेंगे वो क्या है, एक होगा आपका रोल नंबर, दूसरा होगा आपका नेम। ये अपने दो इसमें डाटा लेंगे, मनी इन दो डाटा का यूज अपने स्टूडेंट नाम की क्लास में करेंगे। फिर इसके अंदर अपने दो फंक्शन लेंगे, एक फंक्शन होगा आपका जो डाटा रीड करेगा और दूसरा फंक्शन होगा जो डाटा को डिस्प्ले करेगा। तो अपने एक रीड फंक्शन बनाएंगे और एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाएंगे। रीड फंक्शन क्या करेगा, डाटा का इनपुट लेगा, और डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, डाटा को आउटपुट में आपको दिखाएगा। तो इस चीज को अपने क्या करेंगे, एक प्रोग्राम की सहायता से अपने बनाएंगे और उसको फिर एरे को कन्वर्ट करके, या अपने नेम को क्या करेंगे, एरे बनाएंगे और उसको अपने फिर क्या करेंगे, यूज में लेंगे एक एरे ऑब्जेक्ट की तरह, सिंपल ऑब्जेक्ट की तरह नहीं, एक एरे ऑब्जेक्ट की तरह इसको यूज में लेंगे। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल हैश इंक्लूड डॉट एक्स, फिर हैश इंक्लूड कॉलियो डॉट एक्स। आयो स्ट्रीम से क्या होगा आपका सी एन सी और फंक्शन, और कॉलियो से अपने गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन यूज मिलेंगे, क्योंकि आपका सी और सी एन तो क्या मिलेगा आपको, आयो स्ट्रीम मिलेगा, और कॉलियो क्या मिलेगा आपका गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन। तो अपने ये हेडर फाइल पर काम ले ली। अब अपने जो नेम अपने लेंगे, तो नेम को यूज में लेने के लिए अपने को गेट फंक्शन काम लेना पड़ेगा, तो गेट फंक्शन के लिए अपने को एक हेडर फाइल लेनी पड़ेगी, वो इतनी है एस टी डी आर डॉट एच। तो अपने लिखेंगे हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, ये आपकी हेडर फाइल होगी। तीन हेडर फाइल मैंने इसमें ली है। अब क्या करेंगे, अपने एक प्रोग्राम बना रहे, सॉरी अपने एक क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम क्या देंगे, स्टूडेंट। तो अपने क्या करते हैं, क्लास को क्रिएट करते हैं। क्लास को क्रिएट करने का मैं बताया था आपको सिंटैक्स, पहले क्लास कीवर्ड लिख दिया, इसके बाद में क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है, डीईएनटी स्टूडेंट, ठीक है। अब इस कर्ली ब्रैकेट से आपकी क्लास शुरू हो गई। इसमें अब अपने को क्लास मेंबर डिक्लेयर करना है, क्या करना है, क्लास मेंबर डिक्लेयर करना है। कल जो उन्होंने बनाया था प्रोग्राम, जो क्लास बनाई थी, उसमें मैंने जो मेंबर डिक्लेयर किए थे वो थे आपके पब्लिक प्रकार के। आज क्या करेंगे, उसको अपने प्राइवेट प्रकार का डिक्लेयर करेंगे, किसको, डाटा मेंबर को, किसको, डाटा मेंबर को क्या करेंगे, क्या नाम है, प्राइवेट प्रकार का डिक्लेयर करेंगे, और मेंबर फंक्शन को क्या करेंगे अपने, उसको बनाएंगे अपने पब्लिक प्रकार का। क्यों, क्योंकि पब्लिक फंक्शन अगर वो नहीं होगा तो अपने इसको बाहर से इसको रीड नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या करेगा, फंक्शन तो अपने बनाएंगे पब्लिक प्रकार का, और आपका जो डाटा मेंबर होगा
या जिसे बोलते क्लास मेंबर बोलते हैं, उसको क्या करेंगे अपने प्राइवेट प्रकार का डिक्लेयर करेंगे, पब्लिक लिखते हैं। अगर आप कुछ नहीं लिखते हो तो भी क्या होगा, वो प्राइवेट होगा। अगर आप एक्सेस मॉडिफायर का प्रयोग करते हो तो आप उसको प्राइवेट लेके यूज में ले सकते हो। तो मिलेगा प्राइवेट कोलन का निशान, इसमें मैंने दिया इंट रोल नंबर करेक्टर नेम, मैंने साइज दिया इसका 20 का। तो ये आपके क्या हो गया, प्राइवेट हो गए मेंबर। अब मुझे इसमें दो फंक्शन क्रिएट करने हैं, एक रीड और दूसरा डिस्प्ले के लिए, जो क्या होगा आपका पब्लिक प्रकार का होगा, क्योंकि इसको इन मेंबर को एक्सेस करने के लिए अपने को फंक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। और फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, अपने को एरे से कॉल करना पड़ेगा, यानी उसको एक्सेस करना पड़ेगा एरे से। अगर वो पैड प्रकार के होंगे तो अपने एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या करना पड़ेगा, उसको पब्लिक प्रकार का डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं पब्लिक पहला फंक्शन पे क्या करते हैं, अपने बनाते हैं रीड का। तो लिखते हैं अपर void रीड, void रीड फंक्शन बनाया, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, इस फंक्शन में अपने को यूजर से इनपुट लेना है। क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। तो अपने मैसेज देते हैं इसके अंदर सी आउट एंटर रोल नंबर एंड नेम, ये मैसेज आ गया। अब क्या करते हैं, सील रोल नंबर और नेम को लेने के लिए अपने को गेट फंक्शन काम लेना पड़ेगा। लिख दिया पर गेट्स नेम, तो आपके रोल नंबर में और नेम में आपका इनपुट आ गया है। और ये फंक्शन केवल इतने काम करेगा, इसको यहां से कर्ली ब्रैकेट लगा के इसको बंद कर दिया। अब एक फंक्शन और बनाएंगे जो क्या करेगा, आपके डाटा को आउटपुट दिखाएगा, यानी डिस्प्ले करेगा। तो अपने लिखते हैं void void डिस्प्ले, ये फंक्शन का नाम हो गया। और ये फंक्शन आपका यहां से शुरू हो गया। अब क्या करेंगे अपने, अब इसमें अपने को आउटपुट देखना है, तो लिखते हैं यहां पर सी आउट रोल नंबर एक, ये तो मैसेज आ गया, इसको अपने रोल नंबर पर देख लेंगे। नेम देखना है, लिखेंगे सी आउट, अपने एक साथ लिख सकते हैं, मैंने अलग अलग कर दिया, नेम इज अगर लिख दिया पर नेम, तो आपका रोल नंबर और नाम ये फंक्शन आपको दिखाएगा। और ये फंक्शन आपका यहां पर खत्म। इस फंक्शन का काम केवल क्या है कि आपको आउटपुट दिखाना, तो आपको ये रोल नंबर का मान और नेम का मान आपको दिखा देगा, क्या क्या वैल्यू दोनों में आई है। और ये दोनों फंक्शन क्या करेंगे, सॉरी ये फंक्शन क्या करेगा, आपका रोल नंबर में और नेम में क्या करेगा, इनपुट वैल्यू लेगा और ये फंक्शन उसको दिखाएगा आउटपुट में। अब क्या करते हैं, अगर क्लास यहाँ पे क्या होगी आपकी खत्म, तो सेमी क्या नाम है कली वेकेट लगा के सेमी कॉमेंट से मैंने क्लास को बंद कर दी। अब क्या करना है अपने को, अब अपने को void फंक्शन काम में लेना है, सॉरी void main, सॉरी main फंक्शन काम में लेंगे। तो अपन लिखेंगे void main, ये आपका main फंक्शन यहां से शुरू हो गया। इस फंक्शन में क्या करना है, मैं लिख दिया clr scr clear screen के लिए। अब अपने को इसमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जो आपके फंक्शन को एक्सेस कर सके। कल अपनों ने जो प्रोग्राम बनाया था उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, वो आपका सिंपल ऑब्जेक्ट था। आज अपने क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, लेकिन किस प्रकार का, एरे प्रकार का। किस प्रकार का क्रिएट करेंगे, एरे प्रकार का। अपने जब सिंपल एरे डिक्लेयर करते हैं तो किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं, अपन लिखते हैं इंट एक्स और जो उसका साइज देते हैं, ये तरीका होता है। तो यही सेम तरीका इसमें भी है, क्या लिखेंगे अपने, स्टूडेंट, आपको नाम आ गया इसका। अब डॉट
सॉरी डॉट ही रहेगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का नाम मैंने दिया ओ बी जे, मैंने इसका साइज दिया कितना तीन का, यानी मैंने तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। इसमें आपके पांच वेरिएबल क्रिएट हो रहे थे, इसमें आपके क्या होगा तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट अपने आप हो गए, जिनका इंडेक्स हमें क्या होगा जीरो से टू तक, जीरो वन टू, या तीन ऑब्जेक्ट अपने क्या हो गया आपके क्रिएट हो चुके हैं। अब आप चाहो तो एक एक करके सबके लिए पहले डिलीट फंक्शन से वैल्यू डिलीट कराओगे, यानी आप एक एक करके प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए क्या करोगे वैल्यू डिलीट करोगे, फिर डिस्प्ले करोगे, तो उससे आपका क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा आपको स्टेटमेंट लिखने पड़ जाएंगे, तीन इसके लिए छह स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी। इससे अच्छा आप क्या करोगे उसको आप एक लूप से आप उसको यूज में लें, जिससे आपका क्या होगा तो लूप आपका चलेगा और अपने उस लूप से पहले रीड फंक्शन को फिर दूसरे लूप से अपने डिस्प्ले फंक्शन को एक्सेस कर लेंगे ऑब्जेक्ट के माध्यम से, और प्रत्येक ऑब्जेक्ट क्या लेगा तीन वैल्यू लेगा, क्योंकि मैंने कितने बनाया है तीन ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, तो क्या करेगा प्रत्येक ऑब्जेक्ट तीन वैल्यू लेगा। तो क्या करते हैं आप एक लूप लगाते हैं, मैंने लिखा आई, यहां पर अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं वेरिएबल, सॉरी मैंने लिखा एंड आई कर दिया मैंने, तो मैं आई इसमें लूप में काम लूंगा, इसलिए मैंने आई वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर कर दिया। अगर नहीं करता तो क्या बताता मैसेज होता था, लेकिन सी प्लस प्लस में आप अगर आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते हैं और यूज लेते हैं तो भी वो क्या करता है उसको डिक्लेयर मान लेता है, जैसे ऐसा क्या करते हो आप इसको डिक्लेयर कर दो, अगर नहीं भी करते हो तो भी आपका सी प्लस प्लस में चलता है, लेकिन सी में ऐसा नहीं होता, सी में आपको डिक्लेयर करना ही पड़ता, लेकिन सी प्लस प्लस में आप अगर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते हो आप इसको डायरेक्ट यूज लेते हो तो आप तो सी प्लस प्लस क्या करेगा उसको मान लेता है, और चाहो तो आप कहीं पर भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो सी प्लस प्लस के अंदर, तो मैंने यहां पर कर दिया। अब मैं क्या करता हूं मैं लूप लगाता हूं, मैं लिखा सॉरी आई बराबर कितना मान है जीरो, कातर लूप के लिए इसे चलाना मेरे को आई लेस देन थ्री, इसमें एक एक का इंक्रीमेंट होता रहे आई प्लस प्लस, ये लूप अपना चलेगा। इसमें क्या होगा आपका, इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा विजुअली बताऊं तो इसमें क्या होगा अपना, इसमें अपने आपके लिए जो मेमोरी क्रिएट होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी, इसमें पहला पोर्शन तो आपका क्या है फंक्शन के लिए, इसका कौन सा फंक्शन रीड और डिस्प्ले, तो आपका ये क्या आपका फंक्शन हो गए रीड और डिस्प्ले, ये पूरा आपकी क्या है क्लास है ये। अब आपके तीन ऑब्जेक्ट है, क्या है तीन ऑब्जेक्ट है, प्रत्येक के लिए अलग अलग मेमोरी होगी आपकी, यहां पे क्या है ओबीजे जीरो, ये है आपका ओबीजे वन और ये है आपका ओबीजे टू, क्योंकि तीन आपके क्या हुआ है ऑब्जेक्ट यहां पर क्रिएट हुए जिनका इंडेक्स में क्या शुरू हुआ जीरो वन और टू, और प्रत्येक ऑब्जेक्ट क्या करेंगे इन दोनों फंक्शन को एक्सेस करेंगे, यानी रीड और डिस्प्ले, रीड और डिस्प्ले, रीड और डिस्प्ले, यानी प्रत्येक ऑब्जेक्ट जो जीरो वाला ऑब्जेक्ट है वो कहेगा इसको इसको दोनों को एक्सेस करेगा, फिर ऑब्जेक्ट वन भी क्या करेगा रीड फंक्शन को डिस्प्ले फंक्शन को एक्सेस करेगा, फिर जो आपका ऑब्जेक्ट थ्री है वो भी आपका रीड फंक्शन को और डिस्प्ले फंक्शन को एक्सेस करेगा, यानी इसमें एक मान मांगेगा इसका आउटपुट दिखाएगा, इसका मान लेगा इसका आउटपुट, इसका मान इसका आउटपुट, तो आपके तीन ऑब्जेक्ट आप इसमें डिक्लेयर किए हैं, आप चाहते तो ज्यादा तो आपने क्या होते हैं और भी ज्यादा इसमें ऑब्जेक्ट आगे क्रिएट हो जाते और वो इसी प्रकार से कार्य करते। तो अब आप क्या करते हैं आपका फंक्शन तो शुरू हो गया, अब इसमें फंक्शन में क्या देना है अपने को पहले रीड फंक्शन को यूज करना है, तो अपन लिखेंगे ओबीजे आई, क्योंकि आई का मान अपने लूप में है, लिखेंगे ओबीजे आई डॉट, किसको एक्सेस करना है रीड फंक्शन को, किसको ऐड करना है रीड को, तो मैं लिखा रीड, आपका रीड फंक्शन क्या होगा आपका एक्सेस होगा तीनों बार तीनों ऑब्जेक्ट के लिए। मैंने यहां पर कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया, मैंने फंक्शन को शुरू किया और मैंने यहां पर सॉरी फंक्शन का लूप को शुरू किया और मैंने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया, तो आपका जो सिंपल से क्या होता है जब आप लूप शुरू करते हो अगर वो कंपाउंड प्रकार का नहीं है
अगर आपको कंपाउंड यानी अगर आपको एक से अधिक स्टेट में लिखने हैं तब तो आप क्या करोगे, उसको कर्ली ब्रैकेट से शुरू करोगे, कर्ली ब्रैकेट से बंद करोगे, किसमें, लूप के अंदर। अगर मुझे केवल एक ही सिंटेक्स सॉरी एक ही स्टेट में क्या करना है, लूप के अंदर यूज में लेना है, तो मुझे कर्ली ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं क्योंकि ये कंपाउंड आपका लूप नहीं है, ये आपका सिंगल लूप है, सिंगल स्टेटमेंट लूप है, इसलिए क्या है मैंने कर्ली ब्रैकेट इसमें नहीं लगाया है। अब मैं क्या करता हूँ, आपका ये रीड फंक्शन तो आपका क्या हो गया, एक्सेस हो गया। अब दूसरे लूप से क्या करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन को एक्सेस और करेंगे। तो मैं लिखता हूं दूसरा लूप लगाता हूं, मैं लिखता हूं फोर आई बराबर जीरो आई लेस देन थ्री आई प्लस प्लस, ये आपका लूप चलेगा किसके लिए, डिस्प्ले फंक्शन के लिए। इस फंक्शन में क्या करना है, आपको डिस्प्ले फंक्शन के मेंबर को एक्सेस करना है, यानी इस फंक्शन के आपके दो ये आपके स्टेटमेंट को क्या करना है, एक्सेस करना है। तो अपने आप लिखोगे यही स्टेटमेंट ओबीजे आई डॉट, यहां रीड था यहां क्या हो जाएगा आपका डिस्प्ले हो जाएगा, डिस्प्ले फंक्शन। अब इसमें आप बाकी नहीं रहा, अब क्या करेंगे अपने गेट सी एच और आपका मेन फंक्शन का ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम आपका एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का है, किसका है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने इसमें जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो एरे प्रकार का है, और उसमें मैंने तीन के जो कितने का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तीन ऑब्जेक्ट एक रूप में, ऑब्जेक्ट जीरो, ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू, ये इसके इंडेक्स नंबर है। ये ऑब्जेक्ट क्या करेंगे कि आपके रीड फंक्शन को, प्रत्येक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रीड ऑप्शन को सॉरी रीड फंक्शन को और डिस्प्ले फंक्शन को एक्सेस करेगा, जैसे मैंने बताया आपको। ऑब्जेक्ट वन भी क्या करेगा, रीड फंक्शन को और डिस्प्ले फंक्शन को एक्सेस करेगा। ऑब्जेक्ट टू भी क्या करेगा, रीड फंक्शन को और डिस्प्ले फंक्शन को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। ये तीनों क्या करेंगे, अलग अलग मान लेंगे और अलग अलग क्या करेंगे, अपना आउटपुट दिखाएंगे। तो ये प्रोग्राम था आज का जिसमें मैंने बताया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी आप एरे को ऑब्जेक्ट रूप में किस प्रकार से काम में लेते हैं और उसको किस प्रकार से यूज में लेते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।